लवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तई गाल। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम समम ही मैं जग देखा, मोहिते अधिक संत करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवम हूँ जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। दंडकारण्य की उस भूमि में जहां ऐसा वृद्ध विरोधाभास दिखाई देता है जैसा नित्य दृष्टिगोचर नहीं होता, यदि उसमें महर्षि अगस्त निवास करते हैं तो वहीं पर हरदूषण और तुसरा भी रहते हैं। अगर वहां पर लंकेश्वर रावण की भगिनी शूर्पणखा रहती है तो वहीं पर भक्तिमती शबरी भी रहती है। यह जो विलक्षण भूमि है, जिस भूमि में भगवान श्री राम का जनक नंदिनी सीता से वियोग हुआ और वियोग के पश्चात भगवान श्री राम जनक नंदिनी के शोध में जब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहां भक्तिमती शबरी का आश्रम है। शबरी भावना और भक्ति की साकार विग्रह है। श्री राम भद्र का उन्होंने आंसुओं से स्वागत किया, चरण पखारे, कन्नबूल फल अर्पित किए और प्रभु उन फलों का स्वाद लेते हुए बार बार सराहना करते हैं, ऐसे फल तो इससे पहले कभी नहीं मिले। शबरी संकोच में गड़ी भी हैं, ऋषि मुनियों के समान उन्हें लगता है कि उन्हें भाषा और स्तुति का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने यही कहा कि मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं। और तब प्रभु ने एक अनोखा खेल किया, मानो संकेत यह था कि ठीक है आप मेरी स्तुति नहीं कर सकती हैं, पर मैं तो आपकी स्तुति कर सकता हूं ना। और प्रभु ने ऐसा लगा कि उपदेश दिया, पहली पंक्ति से और अंत में लगा कि स्तुति भी उन्होंने किया। तो इस स्तुति और उपदेश के अंतराल में भगवान श्री राम भक्त के नौ रूपों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा पहली भक्ति है संतों का संग, और मेरी दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में रति होना। वस्तुतः वैसे तो हमारे समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में साधनाओं के अनगिनत रूप बताए गए, कितने नियम हैं, कितने प्रकार की यज्ञ हैं, योग का स्वरूप, दान का स्वरूप,
और तपस्या का स्वरूप, और वो सभी साधन किसी न किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु उन साधनों में जो कथा का साधन है उसमें जो विलक्षणता है वो किसी अन्य साधन में नहीं, और वह विशेषता यह है कि अन्य साधनों में तो किसी एक साधना को केंद्र बनाया जाता है, उसी की विशेषता को मुख्यता दी जाती, किंतु कथा की विलक्षणता यह है कि जितनी साधनाएं हैं आपको जो भी साधना करनी हो उन समस्त साधनाओं के लिए आपको कथा के माध्यम से का संदेश, संकेत और उपदेश मिल सकता है। यदि आप नाम जप करना चाहते हैं तो नाम जप का रूप क्या है, अगर भगवान के रूप का ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान क्या है, अगर आप योगाभ्यास करना चाहते हैं तो कथा में आपको वह भी मिल जाएगा, अगर आप और किसी प्रकार के साधन करना चाहे तो कथा का यह विलक्षण रूप है कि आप किसी भी प्रकार का साधन क्यों न करना चाहे उसका कथा के माध्यम से का आपको जितना अधिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा और किसी अन्य माध्यम से नहीं।